मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिलफाटा महापे रोड पर रात करीब 11 से 12 बजे के आसपास में सड़क दुर्घटना में एक सरफराज अहमद 32 वर्षीय नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद एक लॉरी के चपेट में आ गए थे। मूल रूप से आजमगढ़ के करमैनी रौनापार के रहने वाले सरफराज अहमद मुंबई के गुविंडी इलाके के शिवाजी नगर में रहते थे और किसी काम से सरफराज शिलफाटा एरिए की तरफ आए थे और इसी दौरान सरफराज एक लॉरी के चपेट में महापे रोड पर आ गए। घटना स्थल पर ही सरफराज की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल भेज दिया है। वही दूसरी खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी खाड़ी पार ग्रामीण इलाके में एक दो मंजिला इमारत के आगे का हिस्सा गिरने से एक भीख मांगने वाले 77 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इमारत धोखादायक थी और होटल में काम करने वाले कुछ लोग इस इमारत में रहते थे, मगर आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास में ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जो भीख मांगने वाला था उसकी मौत हो गई है और वहीं दो लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे एक बाइक का हादसा हो गया। अब बहुत दुख की बात है कि एक मृत्यु हो गई है। एक आदिवासी था, सैलून में शायद भीख मांगने के लिए गया और जब तक उससे ऊपर ही पूरा बरजा जो था पूरा लेके ऊपर से दीवार लेके बरजा लेके गिर गया और उसकी मृत्यु जगह पे हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा जा रहे थे हॉस्पिटल में ले गए, मगर मृत्यु हो गई उसकी। मगर यहाँ पे हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत सरपंच सब लोग यहाँ मौजूद हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सब लोग मौजूद है, देख रहे हैं जैसा मतलब जैसे भी हालात है। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बिल्डिंग जैसे डैमेज पे ऐसा लोगों का कहना है, आप दिख भी रही है डैमेज का, तो अभी इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी जैसा भी होएगा हम लोग पूरा करेंगे। तो कितने बजे के आसपास में ये हुआ था? ये 9:30 के आसपास की बातें हैं और हम लोग भी जैसे हमको इतला हुई इसे फौरन हम लोग यहाँ पे भाग के आए और सरपंच हम लोग पूरी टीम लेके पहुँचे, यहाँ देखे उस आदमी को उठा के लेके गए, मगर इंदिरा हॉस्पिटल में गए और उसके बाद मृत्यु हो गई उसकी। बड़ी दुख की बात है। कौन रहता था वो ऊपर वाले? ये होटल वाले के सब इसमें काम करते थे होटल में, उन्हीं लोग बच्चे लोग उसी में रहते थे आदमी लोग, मगर इस उस वक्त तो जब गिरी तो उसमें नहीं थे। तो अगर ये मतलब दोपहर का टाइम होता, शाम का टाइम होता तो ज़्यादा नुकसान होता? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। पब्लिक तो यहाँ ऐसे ही रहती है, दुकानें हैं यहाँ पे, चौराहा जैसा है यहाँ पे, हरदम गर्दी रहती है, मगर ऊपर वाले के क्रम से मतलब बच गया कि मतलब वो एक ही आदमी की मृत्यु हुई।